हेलो गाइस, तो आज है 21st ऑफ अगस्त और कल है तीज। तो मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर करना चाहती हूँ। कितने लोगों को पता नहीं कि तीज होता क्या है, किस लिए रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। तो तीज मैं पिछले जब से मैं कॉलेज में थी तब से रख रही हूँ, मतलब 15 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गया है। तो मैं हर साल तीज रखती हूँ। मैंने सिर्फ लास्ट ईयर स्किप किया था बिकॉज आई वॉज प्रेगनेंट। तो अभी मौका है वापस तीज को सेलिब्रेट करने का एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई मेहंदी। अभी मैंने नेल पेंट लगा ली है, मेरी मेहंदी वाली आती होगी तो हम आपके साथ ये व्लॉग शेयर करते हैं। लास्ट टाइम इधर ही आई थी क्या? हाँ नहीं, हाँ मतलब पूनम पार्कव्यू में आए थे आप। हाय बोलो। हाय, लाइव है? नहीं लाइव नहीं है। आपका नाम क्या है? पल्लवी। पल्लवी, पल्लवी आपको कांटेक्ट नंबर दूं? चलेगा ना? हाँ चलेगा 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 ना। तो इनका हम आपको लाइव बताएंगे कि कैसे मेरी मेहंदी कैसे आई, अच्छी आई। तो आप उनको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डाल दूँ। ये मुझे जानती है, मैं इनको नहीं जानती। इतना पीछे जाओगे? ये देखो। अरे हाँ, ये आपने लगाई है मेहंदी? सो आई डिडंट नो कि इन्होंने मुझे मेहंदी लगाई थी। एंड शी इज सेइंग कि मैं आई थी जब मैं पहले वाले घर में रहती थी। हाँ अरे, ये मैं ही हूँ। वेरी नाइस था। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन सी मेहंदी लगाएंगे। हमने डिसाइड किए कि हम याली फ्रंट में मेहंदी लगाएंगे पहले इधर। तो लेट्स सी कैसा आता है लुक। चले स्टार्ट करें पल्लवी। पल्लवी ने अच्छी लगाई है ऐसे सीधा। तो हमारी मेहंदी लग रही है। You wanna smile? तुझे पता है? You wanna मम्मा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मम्मा? तो गाइस हमारी मेहंदी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको पल्लवी की मेहंदी पसंद आई है तो मैं उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और स्क्रीन पे भी डाल दूंगी यहाँ पर, ठीक है? तो और उसका इंस्टा आईडी भी आपको दे दूंगी। गाइस अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप मेहंदी नहीं लगा सकते। मैंने शायद पूरा प्लानिंग नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है मुझे रात को मेहंदी लगानी चाहिए थी लेकिन मैंने इवनिंग में लगा ली। और युवाना रो रही थी, फेड कराती हूँ मैं, तो मेहंदी तो नहीं लगा सकते और पति भी नहीं संभाल सकते। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपकी छोटी बच्ची है या बच्चा है तो मेहंदी मत लगाओ भी, दोनों हाथ में तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने तो उतार दी 9:30 बजे, मेरी 8 बजे लगा के गई थी, उतार दी मैंने। बट ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, मैं आपको तीज के बारे में बताऊंगी। हम लोग तीज करने जाएंगे, व्रत रखेंगे, सब करेंगे। बाय बाय। सो इस दिन मॉर्निंग में हमें लॉर्ड शिवा और पार्वती जी को प्रे करना चाहिए फॉर हमारे हस्बैंड के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, और उन्हीं दोनों की जैसा हम सबका जोड़ा हो। मतलब हमारे हस्बैंड के लिए स्पेशली फास्ट होता है, इसीलिए हमें पार्वती जी और शिव भगवान की पूजा आराधना करनी पड़ती है इस दिन। थैंक यू। तो गाइस इस दिन हमें सत्तू के लड्डू भी बनाने पड़ते हैं पूजा के लिए। तो सत्तू के लड्डू पूजा के लिए लगते हैं, इसलिए इस दिन ये लड्डू बनाना बहुत ज़रूरी होता है, सत्तू का आटे का लड्डू। तो गाइस देखिए मैं तैयार हो गई हूँ।
तो अभी हम जा रहे हैं पूजा करने मेरी फ्रेंड के घर पे, वो यहीं पे रहती है, तो हम वहाँ पे निमड़ी माता की पूजा करेंगे। निमड़ी माता की पूजा कैसे की जाती है तो मैं आपको सब दिखाती हूँ। तो पूजा की थाली में मैंने लिया है सत्तू का लड्डू, थोड़ी से फूल, और आप इसमें कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने एप्पल लिया है, आप केला भी ऐड कर सकते हैं, और एक देसी घी का दिया लिया है जो हम जलाएंगे पूजा करते टाइम। और कैसे कैसे पूजा होगी मैं आपको सब दिखाऊंगी। अभी तीन बार करवाया, अभी मूली मूली किधर है? मौली मौली थे इसके नीचे। हाँ, इधर ही लगा दे। इधर दिख रहा है तेरे को? उधर से नहीं दिख रहा होगा। इसको उठा के इस साइड में ला लो, दिखेगा उसका थोड़ा सा तिरछा कर दिखा। हाँ, अरे हाँ, उसकी जोत दिख रही है। दिख रही है ना? अब उस दिए को वापस उधर रख, तो बाकी सामान देख पाएगी। ये ले, केला देख। पैसा दे। और तो कह रहे फूल फूल तो मैं देख रही हूँ। तुलसी की डाली, तुलसी बहुत नीम है। अरे नीम की डाली है बाबा, नीम की पूजा करा। कहाँ चला दो? यहाँ पे बीच में रख दो। उसका तो करते नहीं है, तो फिर पत्ता दिख गया। अभी अंगूठी ये सब देखते हैं ना। चांदी देखें, चांदी सोना देखना। तो आपके पास जितनी भी चीज़ें रहती हैं आपके प्लेट में, और आपने जो भी श्रृंगार किया रहता है, आपको सब नीम के जो नीचे देख रहे हैं आप लोग, दूध और पानी का जो कुंड बनाया गया है उसमें आपको उसके अंदर सब कुछ दिखता है। तो आपको ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूजा का एक पार्ट रहता है। पढ़ ले कौन? तो यहाँ पे जैसे इस दूध में आपको सारी जितनी भी चीजें हैं आपके पास वो देखनी पड़ती हैं। जैसे फ्रूट हो गए, जैसे ये एप्पल मैं देखना भूल गई, तो ये एप्पल ऐसे थोड़ा नीचे करके ये जोत के थ्रू आपको ये दिखेगा। दूध और पानी में इन्होंने पूरा निमड़ी का सेटअप किया है, ये बनाया है पूरा मिट्टी से, उसके अंदर दूध और पानी मिक्स करके डाला है ना। और सत्तू का लड्डू चढ़ाते हैं, वो मेन होता है। अब हम कथा सुनेंगे। तू पढ़ लिए कथा, तभी हमारी पूजा सफल हुई। चलो भाई। सातुरी बड़ी तीज की कहानी। एक साहूकार था, उसके साथ बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था, उसकी पत्नी जेठानिया के यहाँ। तो काजरी तीज की जो कथाएं हैं वो तीन से चार हैं। तो हमने टोटल तीन कथा सुनी, एक चौथ की भी कथा हमने सुनी। तो एक कथा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को लिख के दे रही हूँ, और उसका लिंक भी दे रही हूँ, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। से बोला किवाड़ खोल, उसने दरवाज़ा खोला और बैठा भी नहीं। उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। बस वेश्या के यहाँ छोड़ आई, ऐसा 6 बार किया। वह सातवीं बार आया और फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़ कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली। वो पति ने तो पति ने उनका रंगीलो सावन आयो रे सुरंगो सावन आयो बरखा की बूंदा ल्यायो रे हठीलो सावन आयो आयो क्योंकि तीज और चौथ साथ में, और हम लोग ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, बिकॉज चांद नहीं निकला है।
तो 12:30 बजे करीब मेरी फ्रेंड ने मुझे ये फ़ोटो भेजा और बोला कि इसको देख के व्रत तोड़ लो। ये चाँद का फ़ोटो है जिसने राजस्थान में चाँद निकल गया था, तो वो वीडियो कॉल से उन्होंने फ़ोटो खींच के मुझे भेजा। फिर हम दोनों ने व्रत तोड़ा, अर्घ दिया और हमने खाना खाया। 1 बजे व्रत तोड़ा, 12:30 तक। देन वी आर हैविंग, तो मैंने बनाया है देखिए पूरी टिक्की, रायता, पनीर मटर की सब्जी, सत्तू का लड्डू, सेवैया एंड राइस। लाल गुलाबी पागल करते तुझे मोर निशाल, गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ, गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा।